जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल यू लवली पीपल फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके जेमिनी, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? मे बी इट्स अबाउट पार्टनरशिप, मे बी इट्स अबाउट लव, और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी शादी के लिए परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है अपने करियर को लेके, ग्रोथ को लेके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट्स अबाउट पावर पैक्ड मंथ। मुझे ऐसा लगता है कि यस, जो भी आप सोचने वाले हैं वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है सच हो जाए। सो ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से मैनिफेस्ट कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं रिलेटेड टू योर करियर और रिलेटेड टू योर लव, और किस पर्सन को चाहते हैं, बिकॉज वी हैव दिस ब्यूटिफुल सो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपके लिए आगे आ रही हैं, सामने आ रही हैं इन द मंथ ऑफ जून। ओके, सो अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। For all you people, okay, yes, betrayal तो है जेमिनी, अगर आप बात करें, you are going through, but yes, the good news is that you are healing yourself, आप अपने आप को heal कर रहे हैं। बिट्रेयल है, चाहे वो पास्ट में हुआ हो, चाहे स्टिल आप उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को हील भी कर रहे हैं। आपको पता है दैट यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप, आपको बहुत कोशिश करनी होगी, आपको अंडरस्टैंड कर, मतलब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जहन में चल रही हैं। अच्छा, कहीं कहीं कुछ लोग हो सकते हैं जो स्टिल इस कनेक्शन को, पास्ट कनेक्शन को, यू नो, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं शायद कुछ ठीक हो जाए, यू नो, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, और मे बी पर्सन का वेट कर रहे हैं। हालांकि जो ये जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो क्लोज्ड ऑफ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दूर दूर है, उन्होंने दूरियाँ बना ली हैं आपके साथ, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट यस, आप अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शायद अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की बात करें, देखिए ये जो पर्सन है, दे आर लविंग। अच्छा, कुछ के लिए आई हैव अ गुड न्यूज। मुझे ऐसे लगता है इफ यू आर टोटली सिंगल, देन देयर इज सम लविंग कनेक्शन ऑन द रोड, और हो सकता है कोई आ सकता है आपकी तरफ और कोई आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, आप किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टफ लाइक दैट, और या चॉइसेस हैं आपके पास, यू नो, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी अभी भी डाइसी है। बट येस, समबडी, वी हैव किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई न्यू कनेक्शन तो आ सकता है जून के मंथ में, somebody loving, somebody caring, but Gemini, आप क्या चाहते हैं? I think आप अभी भी फिलहाल लो जोन में हैं। देखिए, cards are not lying, you are like, you know, emotionally codependent, feeling emotionally low, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है तो maybe this is not your reading, मे बी आप गलत रीडिंग देख रहे हैं। बट येस, ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप हील कर रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं उसमें से, ये बहुत अच्छी बात है, और डिपेंड करता है एनर्जी। बट येस, थोड़ी थोड़ी कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी भी है, और शायद पूरी तरह से कोशिश करें कि इसमें से निकल जाएं, या सब कुछ, मतलब स्पिरिचुअली, जैसे मैंने आपको बोला। सो आई थिंक येस, मे बी राइट कनेक्शन कैन कम अलॉन्ग। शायद हो सकता है कि कोई अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, और आप वेट कर रहे थे, और मे बी कोई न्यू कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टिल, अगर आप मतलब फैमिली लाइफ की बात करें, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही हैं। देखिए, या पे कोई मैरिड है, या मे बी यू हैव चॉइसेस, या मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, बट हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, टॉक्सिक हो कुछ, यू नो, कनेक्शन में टॉक्सिक हो। तो जेमिनी, आई थिंक आपको अपने आप को इमोशनली संभालना होगा। अगर आपके अराउंड कोई ऐसी एनर्जी है जो इन एंड आउट जो पर्सन करते हैं, या मे बी रनर चेजर वाली, तो देन आई थिंक यू हैव टू टोटली वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू टोटली हील योर सेल्फ। यही चीज़ मैं आपको कहूँगी, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको परेशान करने वाला है। चलिए,
अब बात करेंगे आपके करियर की, कि करियर कैसा रहेगा आपका जून मंथ में। ओके, कार्ड्स आर फ्लोइंग। ओ माय गॉड, कौन सा कार्ड पिक करे? टू मेनी कार्ड्स आर कमिंग आउट। क्या चल रहा है जमीन? ओके ओके ओके। अच्छा, जेमिनाई के लिए देखिए, एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज़ आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, यू नो, एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ। और यस, अगर बात करें कि मतलब मान लीजिए कि आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मतलब यू नो लाइक फील कर रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई कुछ है, कोई आपके पीठ पीछे बात कर रहा है, आई थिंक यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट। और हो सकता है कि आप ऑप्शंस और ऑप्शंस भी देख रहे हो, अपनी फॉर्म में है। देखिए, आप किसी की, मुझे ऐसा लगता है आप किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, यू नो, सो मे बी इट्स अबाउट चूजिंग। हो सकता है कि आप कोई ऐसे प्लान आउट कर रहे हो कि आप कहीं और अप्लाई कर दें या कहीं बेटर पोजिशन पर आ जाए। तो क्या जून मंथ में बहुत चांसेस है दैट यू नो, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव। और अगर आप सेम प्लेस पर हैं देन यू हैव टू बी यू नो वेरी वेरी स्मार्ट, और आपको मैन्यूपुलेशन को फेस करना आना चाहिए। और अगर यस, न्यू बिगनिंग भी जो दिखाई दे रही है, शायद हो सकता है कि अगर कुछ चैलेंजेस हो तो आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कहीं नई जगह अप्लाई कर सकते हैं, कहीं नई जगह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मे बी इट्स अबाउट यू नो मैनिफेस्टिंग अ राइट जॉब, राइट प्रोफाइल फॉर यू, बिकॉज नाउ यू आर लाइक फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बहुत ज़्यादा आप लो हो जाते हैं, आपको लगता है कि कब तक लोग आपको यू नो आपके इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, या लोग बहुत ज़्यादा आपको कई बार तंग करते हैं और आप टेंस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल। हाँ, बट ये द गुड न्यूज़ इज़ आप हार नहीं मानते हैं, यू नो हाउ टू यू नो टैकल। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनाई? ओके, यू आर द एम्प्रेयर। सो पास्ट एनर्जी में से बाहर निकलिए। देखिए, मेरे पास ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट ऐसा लगता है बहुत एक्यूमुलेट हो रहा है कुछ के लिए। आई थिंक बहुत बहुत पुरानी चीज़ें सोचते रहना, दिस एंड दैट, ये हुआ वो हुआ, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया, व्हाट्स हैपनिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको भूलनी होगी और आगे की तरफ बढ़ना होगा, बस दैट्स इट। क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत पुरानी एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है और अब इसको ब्रेक करने का टाइम आ गया है विद द एम्परर कार्ड। आई थिंक अब वो चेंज को आप, वो जो चेन्स हैं जो आपको यू नो रोक रही हैं, उनको अब आपको बाहर मतलब बस तोड़ देना है और आगे की तरफ बढ़ना है। अपनी सोच को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू आर गोइंग समवेयर, और इट्स अबाउट माइंड, सब कुछ माइंड में है। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड हाउ टू कम आउट ऑफ लाइक बैड थिंकिंग और पुरानी चीज़ें, सब कुछ उनमें से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।